गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। लक्ष्मी का साधक हो या फिर इस संसार में जीवन यापन करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति, यदि वह श्री महालक्ष्मी के आगमन से पूर्व संतोष धन से स्वयं को धनवान बना ले तो लक्ष्मी प्राप्ति की दिशा में यह पहला सार्थक कदम होगा। अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो कि कहते हैं कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार पहले अच्छा था लेकिन अब किसी की नज़र लग गई है, या फिर पैसा टिकता नहीं है किसी के पास। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप यूं कीजिए कि मातेश्वरी को प्रसन्न करना शुरू कर दीजिए किसी भी तरीके से, वैदिक तरीके से, तांत्रिक तरीके से, लेकिन पूर्ण विधि के साथ। और जो दूसरा है वो है कि अपने आप में संतोष रखिए, जो चीज़ आपके पास है उसी में संतोष कीजिए और परस्पर आगे भी देखते रहिए, लेकिन जो आपके पास है उसको भी सराहिए कि हाँ मेरे पास ये है मेरे पास वो है। उसको नकारात्मक विचार मत लाइए इसमें कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सारा कुछ देख के चलिए और अपने अंदर ऐसी भावना बनाइए कि मुझे आगे की सोचने, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसी में संतोष करूं। तो आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा जिससे कि मातेश्वरी को शीघ्र अतिशीघ्र आप अपने जीवन में ला सकते हैं। ये मैंने काफ़ी बार बताया है लेकिन आज जो है मैं इसकी पूरी विधि बताऊंगा। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रोज़ उठिए और ये कीजिएगा तो आप मातेश्वरी को शीघ्र अतिशीघ्र एक महीने में जो है प्रसन्न कर लेंगे और देखते ही देखते आपका व्यापार, आपकी जितने भी मतलब जो भी आर्थिक स्थिति है वो ऊपर होती जाएगी। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप इस मंत्र से। मंत्र को 7 बार बोलना है दीपक प्रज्वलित करते हुए। मंत्र है नमः कमल वासने स्वाहा। नमस्कार कीजिए मातेश्वरी को इस मंत्र से 7 बार सुबह उठते ही, और श्री यंत्र को देखिए टकटकी लगाकर 1 मिनट तक। रोज ये कीजिए और फिर मुझे बताइए रिजल्ट्स कैसे आए हैं। धन्यवाद।